Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today it is our seventh lecture on organic chemistry from the platform of National Chemistry Talent Contest 17. Today we will discuss about the chemistry of radical reactions. In the last lecture, we discussed about the conformation of alkanes and the conformation of cycloalkanes. We discussed about the cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, and cyclohexane in greater detail. ये सारी बात चीजें हमने कल डिस्कस की थी. आज हम रेडिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और ये हमारे टॉपिक्स हैं आज के, जो हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे आज ही के लेक्चर में, वरना हम कल के लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे जहां से भी आज हमारा लेक्चर खत्म होगा. अच्छा, हाउ रेडिकल्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे रिएक्ट. तो सबसे पहले तो यही देखेंगे कि रेडिकल्स होते क्या हैं और कैसे बनते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देखें, एक केमिस्ट्री की टर्म होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हेट्रोलिसिस. हेट्रोलिसिस से मतलब होता है जो दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड होता है. जैसे यहाँ पे ए और बी सपोज करें दो एटम्स हैं, उनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड है और वो इस तरह क्लीव हो कि एक ही एटम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएं. यानी जो ए और बी ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाया था, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, वो इस तरह क्लीव हो कि वो जो बॉन्ड है वो टूट के उसके दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी बी उस एटम का अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन भी उसी के पास चला जाए. और ऐसी क्लीवेज को जो अनफेयर होती है, जिसमें एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखे और एक एटम के पास कुछ ना आए, उसको हम हेट्रोलिसिस कहते हैं. ठीक है, अब इस हेट्रोलिसिस के नतीजे में ना आइंस जनरेट होते हैं, एक कैट आइन और एक एन आइन. पॉजिटिव चार्ज को कैट आइन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को एन आइन कहते हैं. अच्छा, ये आप देखें, ये जो दो ग्रीन में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये पहले इनिशियली एक ए और एक बी का था, लेकिन जब से ये क्लीवेज हुई है ये बी ने ही लेके रख लिए, तो बी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया. ठीक है, जहन में रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ, दो नहीं हुए, क्योंकि एक तो उसका अपना था पहले वाला. तो अब ये नेगेटिव चार्ज इस पर डेवलप हुआ, ए पे पॉजिटिव चार्ज हुआ. अच्छा, अब होता यह है, यूजुअली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये लोन पेयर दिखाते नहीं है, सिर्फ हम जो भी एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं. जैसे ओ पे नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, और या नाइट्रोजन या किसी और हेट्रो एटम पे. लेकिन वो अंडरस्टूड है कि उसके साथ एक पेयर भी मौजूद होता है, और जब आप केमिकल रिएक्शन शो करते हैं तो वो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन पेयर ही मूव कर रहा होता है किसी भी दूसरी साइड पे, जिसको इलेक्ट्रोफिलिक साइड कहते हैं. लेकिन हम दिखाते ऐसे हैं कि नेगेटिव चार्ज के पास से हम एरो स्टार्ट करते हैं और किसी पॉजिटिव पार्ट पे ले जाते हैं, लेकिन उसका असल मकसद ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर रहे हैं. अब इलेक्ट्रॉन पेयर कभी आप दिखाते कभी नहीं दिखाते, लेकिन होते हैं. ठीक है, अच्छा, यहां पे ये हुआ कि एटम ए के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और बी के पास कितने, 8. तो ऑक्टेट जो है वो एटम बी का कंप्लीट है और एटम ए के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेक्सटेट कहलाएगा. अच्छा, अगर ये इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, व्हेन बॉन्ड ब्रेक्स वन एटम गेट्स बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस इज कॉल्ड हेट्रोलिसिस, और द प्रोडक्ट गॉट फ्रॉम दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइंस. अच्छा, अगर बिल्कुल फेयर ब्रेकेज हो, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, जैसे यहां पर है, यानी एक इलेक्ट्रॉन बी के पास जाए और एक इलेक्ट्रॉन ए के पास जाए, ऐसी क्लीवेज को हम होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, और इसके नतीजे में हमारे पास रेडिकल्स जनरेट होते हैं. तो हेयर इज इट इज द डेफिनेशन, व्हेन बॉन्ड ब्रेक्स एंड द एटम्स गेट वन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ईच, यानी दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन अगर रखते हैं तो उस प्रोसेस को होमोलिसिस कहते हैं, और उसके नतीजे में रेडिकल्स बनते हैं. ठीक है, अच्छा, जरूरी नहीं है कि रेडिकल एक अकलौता एटम ही बने, एक पूरा फ्रेगमेंट भी हो सकता है. और बस रेडिकल में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की सराउंडिंग है उस पर्टिकुलर एटम पे जिस पर रेडिकल जनरेट हुआ है, वो ऑड नंबर में होती है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड हो जाते हैं. ठीक है, जबकि आइंस के अंदर इवन नंबर थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था 6 होते हैं और 8 होते हैं, पॉजिटिव पे 6 और नेगेटिव वाले आइन पे 8 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इवन नंबर होते हैं, रेडिकल में ऑड नंबर होते हैं.
तो ये जहन में रखिएगा, ठीक है ना, कि रेडिकल्स में ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा अब आपको एक और बात बताऊं, अभी हाथ के हाथ, इसी वजह से रेडिकल्स को ना स्पिन अनपेयर्ड स्पीशी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होती है ना वो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड का मतलब ऑड ही होगी, मतलब कॉन्सिक्वेंटली। तो स्पिन अनपेयर्ड से मतलब रेडिकल होता है, और स्पिन पेयर्ड से मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव आयन भी होता है, उसके अलावा और भी होता है, उससे तो खैर न्यूट्रल मतलब भी हो सकता है कोई अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन मैं अभी फिलहाल इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो स्पिन अनपेयर्ड की जो टर्म अगर आप कहीं लिखी देखें तो आप समझ जाए रेडिकल की बात हो रही है, ठीक है भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब बल्कि वापिस पीछे देखते हैं, मुझे एक चीज और बतानी है। यहाँ पे देखें जो हमने क्लीवेज दिखाई है, इसमें ये इंप्रेशन दिया है कि बी ने इलेक्ट्रॉन दोनों रख लिया और ए के पास कुछ नहीं बचा। ये रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा, मतलब ये ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं और बी के पास कुछ ना बचे। ऐसी सूरत में ए पर नेगेटिव चार्ज आएगा और बी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट आप में से मुझे इस वक्त बता सकता है कि क्या सिनेरियो होता है जब एक एटम नेगेटिव चार्ज अडॉप्ट करता है और दूसरा एटम पॉजिटिव चार्ज, यानी क्या कंडीशंस होती हैं रियल में, कोई अगर बॉन्ड की एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करें मुझे आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। ओह दैट्स वेरी ग्रेट, वेरी इंप्रेसिव। थोड़ा सा और एलिबोरेट करें इसको, पर आप मुझे बॉन्ड की कोई स्पेसिफिक एग्जांपल बताएं। जैसे मैं तो ए और बी बॉन्ड कह रहा हूं जनरल, आप मुझे कोई दो एटम बताएं जिसके दरमियान कोई सिंगल बॉन्ड है। आपने कहा तो ठीक है कि Na पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, लेकिन वो तो ऑलरेडी आयनिक बॉन्ड होता है ना, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। फिलहाल हम ऐसी एग्जांपल दें जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो और ऑर्गेनिक कोई मॉलिक्यूल हो। HCl, very good. HCl में क्लोरीन नेगेटिव होता है, तो इस वजह से क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन पे ले लेता है और H पॉजिटिव बन जाता है और Cl नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, HCl ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है लेकिन ठीक है इस्तेमाल होता है। H2O भी है, H2O। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, सही कह रहे हैं आप लोग, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जैसे HCl ही की एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। HCl के अंदर चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की बहुत कम होती है, तो जब उसमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो होती है तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। इसमें उल्टा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन पे नेगेटिव आया क्लोरीन पे पॉजिटिव आया। तो ये जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज है इसमें जो फेट होता है, जो मतलब मुस्तकबिल है कि कौन सा एटम एनाइन बनेगा और कौन सा कैटाइन, ये डिक्टेट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करती है। हायर दी मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दी एटम the highly likely it is to have the negative charge. Good. यही वजह है कि जब दोनों एटम्स एक जैसे हों तो फिर जरा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि किसको नेगेटिव दिया जाए किसको पॉजिटिव, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो ऐसे केसेस में रेडिकल ही बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन इसके साथ एक शर्त और है कि वो बॉन्ड जो है वीक भी हो रिलेटिवली। ऐसा ना हो कि बहुत जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड है इथेन में है ना, CH3 CH3, आप बोले भाई CC है, इसको बीच से ब्रेक कर देते हैं, दोनों पे मिथाइल मिथाइल रेडिकल बना देते हैं, वो नहीं बनेगा क्योंकि CC बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। अभी आगे एग्जांपल्स आएंगी ऐसे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो लेट्स रिज्यूम फ्रॉम दी लेफ्ट। ये हमने होमोलिसिस और हेटरोलिसिस के बारे में डिस्कस किया, बहुत बेसिक से इंट्रोडक्शन था। अब प्रोडक्शन में देख लेते हैं रेडिकल्स जनरेट जो होते हैं वो, ये तो बात हमने कर ली कि होमोलिटिकली होते हैं, यानी दोनों एटम्स जो है उस किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के एक एक इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, लेकिन वो जो इसके लिए ड्राइविंग फोर्स है वो या तो हीट होगी, ठीक है ना, टेम्परेचर, या फिर कोई लाइट होगी, ठीक है। तो लाइट सोर्स यानी H nu, कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट होगी, ठीक है, और या हीट सोर्स होगी। हीट है तो मिसाल के तौर पर 400 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस, तो ये बॉन्ड होगा। अब ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ये ROOR, इसको कहते हैं परऑक्साइड, ठीक है। ये जो OO बॉन्ड है, O सिंगल बॉन्ड, O बॉन्ड, इसको परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब जिस तरह C डबल बॉन्ड O बॉन्ड को कार्बोनाइल बॉन्ड कहते हैं, मैंने आपको बताया था एक दफा, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड को ओलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं या एल्कीनिक बॉन्ड कहते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C को एल्काइनिक बॉन्ड कहते हैं,
या एसिटाइलिनिक बॉन्ड कहते हैं, मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो इसी तरह ओ सिंगल बॉन्ड ओ का जो बॉन्ड है इसको परोक्सी बॉन्ड कहते हैं, परोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। वैसे इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा डाई एल्काइल परोक्साइड, क्योंकि दो एल्काइल है, अगर आर समझे कोई एल्काइल है और आर यहाँ से भी कोई एल्काइल है। तो बहरहाल इसको जब आप हीट सोर्स देंगे तो ये ओ ओ बॉन्ड जो कि वीक होता है ये ब्रेक हो जाएगा, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन रख लेंगे इस बॉन्ड का। तो इसके नतीजे में आप देख रहे हैं ये रेड वाला आपको डॉट नजर आ रहा है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन है जो एक एल्कोक्सी ने रखा है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एल्कोक्सी ने रखा है। तो दो, यानी यहाँ टू लिखा हुआ है, दो एल्कोक्सी रेडिकल जनरेट हो गए। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो रेडिकल होता है वो स्पिन अनपेयर्ड होता है, ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। आपके सामने एविडेंस मौजूद है, आप काउंट कर लें, दो इलेक्ट्रॉन ब्लू वाले ब्लैक वाले हो गए, दो दूसरे ब्लैक वाले हो गए, चार, दो ये है ये क्योंकि बॉन्डिंग पेयर है, ठीक है, एक इसका ये दोनों के पास है, तो ये छह और एक इलेक्ट्रॉन रेड वाला, तो सेवन इलेक्ट्रॉन है इसकी सराउंडिंग में, इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग में, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे एट इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्टेट कंप्लीट था, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यही केस क्लोरीन मॉलिक्यूल का भी हुआ है। सीएल टू भी ब्रेक हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दो क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो गए। एक और बात मैं ऐड करूंगा, एरोज का खास ख्याल रखिएगा, जैसे यहाँ एरो बना हुआ है, ये एरो आधे हाफ हेड वाला है, इसका हेड आधा है, इसको कहते हैं फिश हुक एरो, मछली का कांटा, फिश हुक एरो ये ट्रम का नाम है। फिश हुक एरो से मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। अगर नॉर्मल एरो जैसे होता है फुल हेड वाला, पूरे हेड वाला, उससे मतलब होता है टू हेड ट्रांसफर, ठीक है। ये बात मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, उसको बताना चाहिए था मुझे वैसे। ये देखिए ये जो एरो है पिंक कलर का या जो भी ये कलर है, ये देखिए ये फुल एरो है, इसका मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन इसी एटम के पास जा रहे हैं। और जबकि यहाँ वाला एरो देखे, ये हाफ एरो, इसको हमारा हाफ हेड वाला, इसको फिश हुक एरो कहते हैं, इसका मतलब होता है एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। खैर ठीक है, तो ये एल्कोक्सी रेडिकल कहलाता है और ये क्लोरीन रेडिकल कहलाता है। ये प्रोडक्शन की बात हो गई, अब बात करते हैं रिएक्शंस की। तमाम ही रेडिकल जो होते हैं ना वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है, दैट मेक्स सेंस। जाहिर सी बात, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब मौजूद है या यूं कह लें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसे सर्वाइव कर सकता है लॉन्गर टर्म के ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। वो फौरन कोई ना कोई अपना जैसा दूसरा रेडिकल सीख करेगा, ढूंढेगा ताकि उसके साथ पेयर अप हो जाए, या फिर किसी अच्छे भले स्पिन पेयर्ड मॉलिक्यूल पे हमला कर देगा, अटैक कर देगा और अपने आप को तो पेयर कर देगा उसके साथ, यानी अपने आप को तो स्पिन पेयर्ड कर लेगा, उस बेचारे में से किसी एक मेंबर को अनपेयर्ड कर देगा, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी स्क्रीन में मौजूद है क्लोरीन रेडिकल है, ये जनरेट हुआ अभी थोड़ी देर पहले क्लोरीन मॉलिक्यूल से। अब इस क्लोरीन रेडिकल चूंकि बहुत रिएक्टिव होता है तो इसने इस मीथेन पे हमला किया है, ये मीथेन है CH3 और फिर ये H यहाँ पे अलग से दिखाया ताकि CH बॉन्ड दिखा सके, ठीक है। इसने देखे यूं अटैक किया क्लोरीन रेडिकल ने इस हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन गया, ये देखें Cl और H यानी HCl बॉन्ड, और मिथाइल पे रेडिकल जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये इस बात की एविडेंस है कि क्लोरीन रेडिकल कितना रिएक्टिव था कि फौरन उसने अटैक किया। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि आप सोच रहे होंगे सर ये देखें ये सो CH का बॉन्ड टूटा होमोलिटिकली और मिथाइल पे रेडिकल आया, तो ये वैसे क्यों नहीं आ जाता जैसे मीथेन को हम हीट प्रोवाइड करें या सनलाइट प्रोवाइड करें। तो देखिए एक पर्टिकुलर एनर्जीज होती है, अभी मैं आपको टेबल पे दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव कर दें और वो दो रेडिकल जनरेट कर दें, ठीक है। कुछ बॉन्ड वीक होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, तो दो वीक बॉन्ड होते हैं वही रेडिकल जनरेट करते हैं, स्ट्रांग नहीं करते। लेकिन जब एक दफा रेडिकल जनरेट हो जाता है, ठीक है, तो उसके ओके स्टूडेंट्स, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस। मैंने यहाँ ये बताया कि मीथेन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, लेकिन बहरहाल क्लोरीन इतना हाईली रिएक्टिव रेडिकल था तो उसने इस मीथेन को होमोलिटिकली क्लीव कर दिया और खुद HCl बॉन्ड बना के मिथाइल का रेडिकल बना दिया, ठीक है। वरना एक और रेडिकल दूसरे तरीके से भी रिएक्ट कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ हर दफा सिग्मा बॉन्ड ही तोड़े, वो पाई बॉन्ड भी ब्रेक कर सकता है। आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है कोई भी एल्काइल रेडिकल है, उसने इस ओलिफिनिक बॉन्ड पे अटैक किया यानी इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, और RC बॉन्ड यहां बना और ये पाई बॉन्ड टूटा और ये एक रेडिकल इस कार्बन के पास
बन गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। तो ये जो पाई बॉन्ड है ऊपर वाला, ये भी दो इलेक्ट्रॉन से बना होगा, लाजमी बात है। तो इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया जो रेड डॉट की सूरत में नजर आ रहा है। इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसने इस आर के जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ बॉन्ड बना लिया, यानी आर सी बॉन्ड जो बना है। ठीक है, तो मकसद कहने का ये है कि रेडिकल जब एक दफा बन जाता है, होमोलिटिकली क्लीव जब होता है, तो फिर वो ज्यादा देर पुरसकून बैठता नहीं है, वो फिर किसी भी स्पीशी पे जो भी इसको नजर आ रही थी उस पर अटैक करता है और एक प्रोपेगेशन शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखिए साइंटिफिक टर्म्स हैं। पहले स्टेप पे क्या हुआ था, रेडिकल बना था, है ना, ये जब बना था कहां चलेगा, सॉरी, तो वो उसको हम इस टर्म को हम कहेंगे इनिशिएशन। ठीक है, हाँ, क्योंकि इनिशिएट हुआ था। और जब बनने के बाद एक रेडिकल से दूसरा रेडिकल बन रहा है, ठीक है, तो ये कहलाता है प्रोपेगेशन। जी जी बिल्कुल, वेरी गुड, क्योंकि ये प्रोपेगेट हुआ है। फिर अभी आगे चल के देखेंगे, जो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, जब रेडिकल रेडिकल मिलके एंड अप, मतलब एक स्पिन पेयर्ड स्पीशी बना लेंगे, उसको हम टर्मिनेशन कहेंगे। वेरी गुड, तो ये तीन स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। ये आएंगे, जब दोबारा आएंगे मैं बताऊंगा आपको। ओके, अच्छा, अब थोड़ा सा एनर्जीज की बात करते हैं, जो मैंने कहा था होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज की बात करते हैं। ये है, पहले नीचे वाली एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरी वाली देखें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एच, सिंगल बॉन्ड एच। इफ यू नीड टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इनटू टू हाइड्रोजन एटम्स, यानी हाइड्रोजन रेडिकल्स, तो यू नीड टू गिव 436 किलो जूल एनर्जी पर मोल। ठीक है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, हमें ये वैल्यू मेमोराइज पता ही नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन हमें एटलीस्ट ये ट्रेंड पता हो जो मैं आपको बताने वाला हूं। जबकि क्लोरीन मॉलिक्यूल को अगर आपको ब्रेक करना है दो रेडिकल्स में, तो आपको 243 किलो जूल की एनर्जी देना पड़ेगी। तो ज्यादा एनर्जी कौन सी है, 436 है ना, तो इसका मतलब है इट इज हार्ड टू ब्रेक H2 मॉलिक्यूल देन क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, इस एनर्जी से यही पता चल रहा है। अच्छा, इससे एक और बात पता चल रही है, अदर वे राउंड, अगर मैं आपसे ये पूछूं हाइड्रोजन रेडिकल ज्यादा स्टेबल है या क्लोरीन रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या कहेंगे? हाइड्रोजन सर, हाइड्रोजन, सोच लीजिए, क्लोरीन सर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, बिकॉज इट हैज लेस एनर्जी, यस, बिकॉज यू क्लोरीन जो है वो जल्दी बन गया, वो आसानी से बन गया, तो स्टेबल है, तभी तो बन गया। हाइड्रोजन एक रिएक्टिव है, इसलिए वो नहीं बना या मुश्किल से बना। ठीक है, तो दो बातें पता चल गई। तीसरी बात, दोनों सूरतों में, यानी 243 हो या 436 हो, आपको एनर्जी देना पड़ी। ठीक है, इट मींस कि ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो रिएक्शंस इन विच ओनली बॉन्ड ब्रेकिंग अकर्स आर ऑलवेज एंडोथर्मिक, यानी जब आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए कोई एनर्जी देनी होगी, तो वो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी इन्वॉल्व होगी, तो वो यकीनन एंडोथर्मिक ही होगी। अच्छा, आप इसकी रिवर्स बात करते हैं, दो हाइड्रोजन रेडिकल्स हैं, वो फौरन जैसे उनको मौका मिलेगा वो जुड़ जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे H2 मॉलिक्यूल में, तो वो 436 किलो जूल की एनर्जी को रिलीज करेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव साइन आ रही है, रिलीज करेंगे, इसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है ना, एक्सोथर्मिक यानी हीट जो है वो एग्जिट होगी। ठीक है, और अगर दो क्लोरीन रेडिकल कंबाइंड होकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो वो 243 किलो जूल की एनर्जी रिलीज करेंगे। तो मुझे ये बता सकते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है और क्लोरीन मॉलिक्यूल बनने में कम एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में कौन ज्यादा स्टेबल है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, बिल्कुल, वेरी गुड मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि उसको बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अब देखें, इतने से, यानी ये जो चार इक्वेशन है, इससे कितनी सारी बातें हम घुमा घुमा के डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे फिर आएंगे इस जैसी बात है। अच्छा, तो एनर्जी मस्ट बी सप्लाई टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड, दैट वी डिस्कस, और फिर ये नाम लिख दिया कि अगर एनर्जी होमोलिटिकली बॉन्ड को होमोलिटिकली डिसोसिएट करती है, तो हम उसको होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। ये डेटा मौजूद है आपके सामने, हाइड्रोजन की अभी बात की थी, दोबारा आ गई, 436 किलो जूल पर मोल है, इसको चले छोड़ दें। अब देखते हैं ये हेलोजेंस को, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे से देखते हैं, सबसे नीचे वाला ग्रुप देखते हैं पहले, आयोडीन, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में लोअर मेंबर का, लोअर पीरियड का ये मेंबर होता है आयोडीन।
तो आपको सिर्फ 151 की किलो जूल की एनर्जी चाहिए आयोडीन को तोड़ने में। जब थोड़ा सा ऊपर आएंगे पीरियोडिक टेबल में तो 193 यानी बढ़ गई एनर्जी, या यूं कह लें थोड़ा सा मुश्किल से टूटेगा ब्रोमीन बनिस्बत आयोडीन के। फ्लोरीन तोड़ना है तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए। अभी फ्लोरीन को छोड़ दें ठीक है, वरना फ्लोरीन में उसूलन और ज्यादा चाहिए थी। अगर हम स्ट्रेंथ बात करें वो मैं बाद में बताऊंगा कि उसमें कम क्यों चाहिए, फिलहाल इन तीन को ही देखें। तो इसमें अपने आपको कन्विंस करें कि मुझे ये बताएं कि आयोडीन रेडिकल ज्यादा स्टेबल हुआ या ब्रोमीन या क्लोरीन। कौन सा वाला? सॉरी दोबारा बोले। क्लोरीन होगा जो क्योंकि अभी हम आयोडीन को थोड़ा ही एनर्जी दे रहे हैं तो वो ब्रेक हो रहा है तो शायद वो लेस स्टेबल होगा। नहीं ज्यादा स्टेबल होगा, रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। आयोडीन रेडिकल एग्जैक्टली, आयोडीन रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा और क्लोरीन मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। शाबाश वेरी गुड। तो देख रहे हैं ये ट्रेंड आप देख कंफ्यूजिंग है लेकिन इसको समझने की जरूर कोशिश करें। अच्छा अब मुझे जवाब दे सकते हैं यानी कोशिश करें जस्टिफाई करने की कि आयोडीन रेडिकल में ऐसी क्या खास बात है जो ज्यादा स्टेबल है बनिस्बत ब्रोमीन रेडिकल के, यानी क्या चीज इसमें एक पैटर्न नजर आ रहा होगा आपको। साइज की वजह से। वेरी गुड, एटॉमिक साइज की वजह से। हाँ एग्जैक्टली, चूंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, ये बड़ा स्फीयर होता है तो इसपे जो जो इलेक्ट्रॉन आया है यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ठीक है वो आराम से इस पे पोलराइज हो सकता है उसके स्फीयर के ऊपर ठीक है। जबकि क्लोरीन में छोटा साइज है मतलब आयोडीन और ब्रोमीन के मुकाबले में तो एक रिपल्शन वगैरह क्रिएट होगी जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है या यूं कह लें कि एनर्जेटिक ज्यादा होता है क्लोरीन का रेडिकल ठीक है। अच्छा अब ये फ्लोरीन क्यों ट्रेंड से हट गया, हालांकि उसूलन तो इसका साइज बहुत ज्यादा होता है तो रिपल्शन ज्यादा होता है, ये कम होता है मतलब साइज कम होता है तो रिपल्शन ज्यादा होता है। थ्री इस वाले फ्लोरीन पर भी होंगे क्योंकि अब फ्लोरीन का जो बॉन्ड है उसकी जो लेंथ है वो कम होती है, जाहिर सी बात है। और एक तो बॉन्ड लेंथ कम है ऊपर से दोनों मेंबर पर तीन तीन पेयर लगे हुए इलेक्ट्रॉन के तो इसकी वजह से ठीक ठाक रिपल्शन होती है जिसकी वजह से इसको जैसे ही मौका मिलता है ये टूट जाता है होमोलिटिकली, मतलब ये मौके के इंतजार में बैठा है कि कोई ऐसी सोर्स आए जो इसको दो रेडिकल्स में तोड़ दे ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं इन बॉन्ड्स की। इसमें ट्रेंड सीधा सीधा है, HI requires lesser energy to homolytically cleave than HBr, थोड़ा सा और इंक्रीज करें तो HCl और इंक्रीज करें तो HF में 570 ठीक है। ये ट्रेंड सीधा है क्योंकि इसमें तो H सब में कॉमन है, HI बॉन्ड है, HBr बॉन्ड है, HCl बॉन्ड है, HF बॉन्ड है। मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप ये न्यूमेरिकल वैल्यूज मेमोराइज करें ना आपसे पूछी जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट आपको ये ट्रेंड पता हो और आपको उसकी जस्टिफिकेशन भी आती हो। मतलब मैं आपसे पूछूं व्हाई HBr बॉन्ड इज इजियर टू क्लीव होमोलिटिकली देन HCl बॉन्ड, आंसर इट। ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो इस वजह से कितने सारे रीजन दिए आप लोगों ने, मैं बताता हूँ। किसी स्टूडेंट ने कहा सर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इसलिए बॉन्ड जो है वीक होता है, बिल्कुल होता है, बॉन्ड लेंथ अगर आप बढ़ा देंगे तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने कहा सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ठीक है, एक स्टूडेंट ने कहा सर साइज ज्यादा होता है, तो वी हैव डिफरेंट रीजंस टू जस्टिफाई दिस क्वेश्चन। और डेटा देखते हैं पहले ताकि मैं चाह रहा हूं आप एक ट्रेंड इस पे देख लें। CH3
ये तो सी आई बॉन्ड जिस तरह एच आई एच बी आर एच सी एल एच एफ में ट्रेंड था, तो वही ट्रेंड अब यहाँ पे भी चलेगा, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल फ्लोराइड के अंदर सी आई बॉन्ड, सी बी आर बॉन्ड, सी सी एल बॉन्ड, सी एफ बॉन्ड वैल्यूज बढ़ रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर वैल्यूज बढ़ रही है। और सी एच बॉन्ड इज लाइंग समवेयर बिटवीन सी सी एल बॉन्ड एंड सी एफ बॉन्ड। अच्छा ओ पर आ जाए मिथेनॉल में सी एच थ्री ओ एच यानी सी ओ बॉन्ड, इसका कोई अपना डेटा है और इसका अपना डेटा है, ये ट्रेंड की बात नहीं है, हम सिर्फ ट्रेंड में देख रहे हैं हैलोजेंस को, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखें, अब यहां पे एक ही है, मतलब ये भी सी सी एल बॉन्ड है ये वाला, और ये भी सी सी एल बॉन्ड है, अभी मैं सिर्फ दो की बात कर रहा हूं, इसमें ये जो डिफरेंस है ज्यादा नहीं है, सिर्फ छह का ही है, लेकिन बहरहाल है। तो यहां पे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि जब टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा उसमें क्लोरीन रेडिकल आसानी से जनरेट होगा बनिस्बत आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के। व्हाट इज द रीजन? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो एल्काइल जनरेट करेगा उससे क्या होगा? मुझे बात बताएं, आप इस तरह ना देखें पॉजिटिव इंडक्टिव, आप ये देखें कि एंड प्रोडक्ट क्या बनेगी, जब मैं इसको तोड़ता हूँ सीसीएल बॉन्ड को, एक क्लोरीन रेडिकल मिलेगा वो तो यहाँ पे भी मिलेगा, तो कॉमन, क्योंकि टर्शियरी कार्बो केटायन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शियरी कार्बन रेडिकल, ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं यही कहने वाला था, इन दोनों में जब सीसीएल बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन क्लोरीन रेडिकल मिलेंगे, वो तो कॉमन है। अनकॉमन बात क्या है? डिफरेंट एल्काइल रेडिकल्स, नीचे वाले में आपको टर्शियरी कार्बन रेडिकल मिलेगा और यहां आपको सेकेंडरी कार्बन रेडिकल मिलेगा, तो टर्शियरी कार्बन रेडिकल जो है वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बन रेडिकल के मुकाबले, मैं रीजन अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, तो इसीलिए टर्शियरी कार्बन और हेलोजिन का बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा आसान होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बन और हेलोजिन के दरमियान बॉन्ड तोड़ने को। यही ट्रेंड ब्रोमीन में भी मिलेगा आपको, आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, ये देख लें, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड वर्सेस आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ये 292 किलो जूल पे टूट रहा है सीबीआर बॉन्ड जो टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच्ड है, और ये थोड़ा सा बढ़ के 6 किलो जूल पर मोल की एनर्जी एक्सिस है, एडिशनल आपको चाहिए होगी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में सीबीआर बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो एक ट्रेंड आप तो ये समझ रहे हैं टर्शियरी वर्सेस सेकेंडरी का, ठीक है, कि टर्शियरी कार्बन के साथ जो हैलोजन होगा उसको निस्बतन तोड़ना आसान होगा, या घुमा के बात कह लें तो टर्शियरी कार्बन पे जो रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल होगा। और दूसरा ट्रेंड, फिर दोबारा आप इन दोनों को कंपेयर करें जैसे हम करते थे, ये सीसीएल बॉन्ड है ये सीबीआर बॉन्ड है, सीबीआर बॉन्ड को तोड़ना आसान है, देखा 292 वर्सेस 349, इसी तरह सेकेंडरी सेंटर में भी यही बात है, 355 है सीसीएल बॉन्ड और 298 है सीबीआर बॉन्ड, तो देख रहे ना, यानी वर्टिकली भी ट्रेंड है और हॉरिजॉन्टली भी ट्रेंड है। अभी प्राइमरी को इग्नोर करें, मैं सिर्फ टर्शियरी और सेकेंडरी की बात बता रहा हूँ, प्राइमरी की मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है भाई, ये ट्रेंड समझ में आपको आ गया। अच्छा यही ट्रेंड, जरूरी नहीं है कि ये सीबीआर या सीसीएल बॉन्ड हो, ये सीएच में भी होता है, आप इसको देखिए, ये सेकंड मॉलिक्यूल को नीचे से, ये टर्शियरी कार्बन है बिल्कुल है, ये सीएच बॉन्ड 400 पे ब्रेक कर रहा है, लेकिन ये कार्बन सेकेंडरी है तो ये थोड़ा ज्यादा एनर्जी ब्रेक कर रहा है, ठीक है, यहां पर प्राइमरी का भी ट्रेंड मौजूद है, प्राइमरी है तो थोड़ा सा और ज्यादा पे कर रहा है, हालांकि है तीनों केसेस में सीएच बॉन्ड, लेकिन अलग अलग वैल्यूज इसलिए आ रही हैं, जो रिजल्टिंग रेडिकल्स है ना उसका फेट भी देखना पड़ेगा, उसका मुस्तकबिल देखना पड़ेगा, तीनों केस में हाइड्रोजन रेडिकल बन रहा है वो अलग, वो कॉमन बात है, यहाँ पे टर्शियरी कार्बन रेडिकल बन रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन रेडिकल बन रहा है, और यहाँ पे प्राइमरी कार्बन रेडिकल बन रहा है, टर्शियरी कार्बन रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी कार्बन रेडिकल होता है, फिर प्राइमरी कार्बन रेडिकल होता है, इसीलिए टर्शियरी कार्बन रेडिकल बनने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, सेकेंडरी की कार्बन रेडिकल बनने के लिए थोड़ी सी ज्यादा, और प्राइमरी कार्बन रेडिकल बनने के लिए थोड़ी सी और ज्यादा, तो ये ट्रेंड बहुत फेथफुली जा रहा है। अच्छा ये यहाँ पे मैं इसको अभी ऐड कर देता हूँ, ये आपका फिनाइल है, यानी बेंजीन में से एक हाइड्रोजन आप निकाल दें तो फिनाइल होता है, जिस तरह एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो एल्काइल होता है, लेकिन जाहिर सी बात है एल्काइल उसी वक्त बनाएंगे जब वो किसी के साथ अटैच करेंगे, जैसे कि
ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ या OH या NH2 के साथ, इसी तरह फिनाइल के साथ भी कुछ अटैच करते ही है। तो ये फिनाइल के साथ CH3 अटैच है, यानी बेंजीन रिंग और CH3, इसको कहते हैं टोलीन या मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। इसमें भी CH बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए टर्शियरी कार्बन सेंटर से भी कम, सेकेंडरी कार्बन सेंटर और प्राइमरी कार्बन सेंटर से भी कम एनर्जी चाहिए। आप मुझे जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्यों इसको 375, हालांकि अगर ये मैं टाइप ऑफ कार्बन की बात करूं तो ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये वाला कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है। अगर आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसको विजुलाइज करें मेंटली, ये प्राइमरी सेंटर है तो ये 423 के अराउंड होना चाहिए था, लेकिन ये तो इतना कम होते होते सेकेंडरी और टर्शियरी के से भी नीचे चला गया। तो कुड यू जस्टिफाई व्हाई ओनली 375 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फिनाइल CH बॉन्ड? सर रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन की वजह से। कौन किसके साथ करेगा कॉन्जुगेशन? एलिब्रेट करें अपने आंसर को और डिटेल में बताएं। सर फिनाइल रेडिकल में कॉन्जुगेशन इस वजह से वो स्टेबल होगा तो इस वजह से कम एनर्जी। पहले तो मुझे बताएं रेडिकल फिनाइल पे बनेगा, ये कहाँ बनेगा? इस कार्बन पे बनेगा जो फिनाइल के साथ अटैच है। तो फिनाइल पे इटसेल्फ रेडिकल नहीं बनेगा, फिनाइल पे CH2 होगा उस पे रेडिकल होगा, ठीक है ना? ये यानी बेंजीन रिंग, फिर ये CH2 और उस पे रेडिकल होगा। इस पोजीशन को बेंजाइलिक पोजीशन कहते हैं। बेंजीन के साथ वाली जो कार्बन होती है ना उसको बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। मैं नाम रखा ताकि बोलने में आसानी हो। तो ये वाली कार्बन प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये टर्शियरी कार्बन है, ये बेंजाइलिक कार्बन है। ये प्राइमरी कार्बन भी है, मतलब अगर आप स्ट्रिक्टली प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में से पूछ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये बेंजाइलिक भी है तो बेहतर है कि आप इसको बेंजाइलिक ही के नाम से पुकारें। तो बेंजाइलिक कार्बन पे रेडिकल बनना ज्यादा आसान होता है बनिस्बत प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, जो सिंपल से ऊपर तीन एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये रेडिकल डीलोकलाइज हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन जो आएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो सकता है, यानी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसकी कई रेजोनेटिंग फॉर्म्स बन सकती हैं, एक से ज्यादा बल्कि कई ज्यादा। ये इसका आंसर है, ठीक है? तो हमने ये सीखा कि अगर रेडिकल किसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है तो इसका मतलब है वो ज्यादा स्टेबल है, और अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो इसका जो भी करस्पॉन्डिंग बॉन्ड होगा वो वीकर होगा, जबी तो वो जल्दी टूटने की ख्वाहिश में है ताकि स्टेबिलिटी गेन कर सके रेडिकल से कंपैरिजन में। अच्छा, अब यहां पे ट्रेंड देखते हैं। ये इन दोनों में चले पहले देखते हैं, चूंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, ये CH बॉन्ड और ये वाला CH बॉन्ड, ये ज्यादा पे है और ये कम पर है, कम एनर्जी पर है। इसको जरा जस्टिफाई करेंगे। मैं एक मिनट पहले आप मुझे आंसर दें, मैं आपको नाम बता दूं। ये वाली जो पोजीशन होती है ना, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं एल्कीन के, इस पोजीशन को कहते हैं विनाइलिक पोजीशन। तो ये विनाइल है, ठीक है ना? तो विनाइलिक कार्बन है, वी आई एन वाई एल आई सी, और इस कार्बन को जो विनाइल के बाद वाली कार्बन होती है, ये तो विनाइलिक है जिस तरह नीचे था, इसको एलाइलिक कहते हैं, ए डबल वाई एल आई सी। तो ये विनाइलिक CH बॉन्ड है, ये एलाइलिक CH बॉन्ड है ऊपर वाला। अब मुझे बताएं कि क्यों ये एनर्जी का डिफरेंस है विनाइलिक CH बॉन्ड और एलाइलिक, इसको तो एक्सप्लेन करें। एक स्टूडेंट पहले जी मुझे बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, मे बी वहां का जो सिंगल बॉन्ड है वो और जो डबल बॉन्ड है वहां का इलेक्ट्रॉन वहां पे भी शायद रेजोनेटिंग फॉर्म्स बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं शायद नहीं, बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है? बी कॉन्फिडेंट वाइल आंसरिंग, आप सही कह रही हैं। एलाइलिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए वीकर है कि जो रिजल्टिंग रेडिकल होगा जिसको एलाइलिक रेडिकल कहते हैं वो कॉन्जुगेशन कर सकता है इस पाई बॉन्ड के साथ, ठीक है? जबकि विनाइलिक कार्बन पे अगर रेडिकल जनरेट होता है तो वो कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता, तो कॉन्जुगेशन गिव्स द स्टेबिलिटी। तो इसीलिए एलाइलिक CH बॉन्ड
को तोड़ना आसान है क्योंकि एलाइल रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, ये बेंजीन के साथ एच लगा हो तो वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर बेंजाइल के साथ एच लगा होता है तो वो आसान होता है तोड़ना। ये आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है। यही ट्रेंड जो विनाइलिक पोजिशन है, अगर ये सी एच होगा तो ये भी मुश्किल से टूटेगा, एसिटाइलिनिक सी एच जो होता है। ठीक है, और चले देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे यही बात तो मैंने जितनी सारी कही दोबारा आ रही है कि ये प्राइमरी कार्बन और सी एच के दरमियान, प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए 423 की एनर्जी चाहिए, लेकिन सेकेंडरी सी एच के लिए थोड़ी कम एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि सेकेंडरी रेडिकल यानी आइसोप्रोपाइल रेडिकल इस पर्टिकुलर केस में वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का IUPAC नेम क्या होगा? Could anybody tell me? What is the IUPAC name of this particular molecule? Come again? दोबारा बोलिए। ब्यूटेन कहाँ है ये? 2-methylpropane। अच्छा, मैं म्यूट करता हूँ आप लोगों को क्योंकि एक हमिंग सी आ रही है। ओके ओके, ये है 2-methylpropane। देखिए, 1 carbon 2 carbon 3 carbon, ये चेन हो गई लॉन्गेस्ट, जिसको प्रोपेन कह दिया, इस पे मिथाइल लगा हुआ है। तो आप इसको वैसे तो सिर्फ मिथाइल प्रोपेन भी कहें तो भी बात वही है, क्योंकि मिथाइल हो ही 2 पोजीशन पे सकता है इस प्रोपेन में, क्योंकि अगर आप मिथाइल को 1 पोजीशन पर रखेंगे तो 1-methylpropane नहीं कहेंगे बल्कि आप इसको ब्यूटेन कहेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको मिथाइल प्रोपेन कहें या 2-methylpropane के, एक ही बात है, बेहतर यही है कि आप मिथाइल प्रोपेन कहें। इसमें देखिए 2 टाइप्स के सी एच बॉन्ड्स हैं, एक टाइप क्योंकि तीनों सी एच थ्री तो सेम है, तो इसलिए ये सी एच बॉन्ड, ये सी एच बॉन्ड और ये सी एच बॉन्ड, तीन इसके, यानी ये जो 9 CH bonds हैं ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। किसी एक को डिस्कस कर लें तो बाकी 8 भी डिस्कस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन ये जो रेड सी एच बॉन्ड है ये सेंट्रल कार्बन के साथ सी एच है, यानी इस टर्शरी कार्बन के साथ, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो वी हैव टोटल 10 CH bonds फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, आउट ऑफ विच 9 आर सेम व्हेन 1 इज डिफरेंट, और वो जो 9 है वो प्राइमरी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, और जो ये एक अकलौता है रेड वाला ये टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है। तो ये ज्यादा वीकर है सी एच बॉन्ड टर्शरी सेंटर वाला, क्योंकि बदले में जो रिजल्टिंग रेडिकल मिलेगा वो टर्शरी रेडिकल होगा। तो इस वजह से ये सिर्फ 400 नहीं कहना चाहिए, लेकिन चले कह लेते हैं ये 400 kilojoule की एनर्जी पर टूट जाएगा सी एच बॉन्ड, जबकि ये जो प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके लिए हमें 22 kilojoule की एडिशनल एनर्जी भी देना पड़ेगी। ठीक है, तो इसका ये एनर्जी डिफरेंस है, क्योंकि 1 degree रेडिकल कम स्टेबल होता है, 3 degree ज्यादा होता है। अच्छा, अब वक्त आ गया है कि हम रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिस्कस कर लें। जो मैंने आपको थोड़ा सा तो बता दिया है कि टर्शरी रेडिकल जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर प्राइमरी रेडिकल होते हैं और फिर सेकेंडरी रेडिकल होते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये रीजन हम डिस्कस करेंगे। ये रीजन आपके सामने रेड से लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफर करते हैं। ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं, पहले मुझे आप बताएं व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट? सर, द एबिलिटी टू पुश इलेक्ट्रॉन, पुश और पुल, और व्हाट टू से, द पुश इलेक्ट्रॉन बिल्डिंग। Are you sure push? अगर मैं negative inductive effect के term कह दूँ, फिर भी push कहेंगे आप लोग? No. ये sir basically जी basically मैंने charge बात कर दें induced जी बोले मैं तो charge is induced, जब induction हो induced करवाया जाए तो इसको inductive effect कहते हैं sir, चाहे वो positive का हो चाहे वो negative का हो। Sorry, come again once more sir, अगर सर इंडक्टिव इफेक्ट फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा। तो चार्ज तो यहां है ही नहीं, ये चार्ज कहां से बीच में आ गया, यहां स्क्रीन पे कहीं चार्ज नजर ही नहीं आ रहा।
ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, मतलब ना कैटाइन है ना एनाइन है। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं ऐड करता हूँ आपकी बात। देखें एक मैं बताता हूँ, पहली बात तो ये है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट होता है, ठीक है ना। अच्छा दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होता है थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड के पे जो इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट डू आई मीन टू से, सीओ बॉन्ड है, फर्ज करें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, सबको मालूम है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको अलग से पता है, रिलेटिव जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग होती है टुवर्ड वन ऑफ द एटम्स, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो सीओ बॉन्ड में ओ की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल होती है थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड, तो वो एक इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होता है सीओ बॉन्ड में, जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो अपनी तरफ डेंसिटी खींच रहा है, तो वो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जबकि एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफर करते हैं। ये म्यूट कर लेंगे आप लोग प्लीज। ओके तो अब एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट रखते हैं, ठीक है। और इसका एक रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड द हाइपर कॉन्जुगेशन। वो थोड़ा सा डिफरेंट है इस वक्त पढ़ने से, तो हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे, वो मैं आपको किसी और टॉपिक के साथ अटैच कराऊंगा। तो बहरहाल एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे किसी भी कार्बन के ऊपर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेशन मिलेगी। तो तीन एल्काइल होंगे यानी टर्शरी कार्बन होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा रेडिकल में, सेकेंडरी होगा तो थोड़ा सा कम स्टेबल होगा लेकिन होगा, प्राइमरी और कम होगा, और अगर कोई एल्काइल ही नहीं है जिसको सुपर प्राइमरी कहते हैं वो सबसे लेस स्टेबल होगा, नहीं लीस्ट स्टेबल होगा। अच्छा यही ट्रेंड कार्बोकैटायन के लिए भी होता है, यानी टर्शरी कार्बोकैटायन, यानी ये प्लस चार्ज लगा दूंगा यहाँ पे, तो टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन देन प्राइमरी एंड देन सुपर प्राइमरी, ठीक है ना। तो जो रीजनिंग या जस्टिफिकेशन टर्शरी कार्बन रेडिकल के लिए है वही टर्शरी कार्बोकैटायन के लिए, सेम ट्रेंड है, ध्यान में रखिएगा एक बात। अच्छा दूसरी बात यह है कि मोहम्मद अली मुजम्मिल अली प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। अच्छा दूसरी बात यह है कि अगर कार्ब एनाइन होगा यानी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये ट्रेंड जो है ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आज इसका कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन मैं इसको अभी से बता रहा हूं, तो उसमें ये होगा जो टर्शरी कार्ब एनाइन होगा वो लीस स्टेबल होगा और जो सुपर प्राइमरी कार्बनाइन होगा और फिर प्राइमरी कार्बनाइन वो मोर स्टेबल होगा। ये कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं मुजम्मिल अली, आप पूछ सकते हैं मुजम्मिल अली डायरेक्टली मुझसे। सर जी पूछिए। सर जी प्लीज। सर जब हम कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो वहां पे ये होता है हमारे पास जो टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है वहां पे वो ज्यादा स्टेबल, तो इसीलिए होता है क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप्स के बढ़ने की वजह से वहां का जो पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पे होता है वो डिस्पर्स हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम रेडिकल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इन पे क्या चीज होती है जो टर्शियरी वाले में ये ज्यादा स्टेबल होता है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या डिस्पर्स हो जाता है? मैं बताता हूँ, गुड क्वेश्चन। देखिए कार्बोकैटायन में कार्बन जो सेंट्रल कार्बन होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, उसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है। अच्छा जब भी तो उसमें प्लस चार्ज भी आ रहा है क्योंकि वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जितने होने चाहिए उतने नहीं है, उससे कम है। कार्बन रेडिकल भी जो होता है ना वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसका भी ऑक्टेट कम्प्लीट नहीं होता है। तो कार्बोकैटायन हो या कार्बन रेडिकल हो, कैटाइन हो या कार्बन रेडिकल हो, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और दोनों ही चाहते हैं कि इनको कहीं से इलेक्ट्रॉन की डोनेशन मिले, इसलिए एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे चाहे वो कार्बन रेडिकल हो या कार्बो कैटाइन हो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ये दोनों में कॉमन फीचर है, लेकिन कार्ब एनाइन होगा तो वो रिवर्स हो जाएगा, वो उसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट होता है कार्ब एनाइन का, तो वो उस पर तो आप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चीजें डाला के लगा देंगे तो वो उसके लिए अनफेवरेबल होगा, ठीक है। तो ये रिवर्स हो जाता है दोनों में, ये फर्क होता है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कुछ रिएक्शंस ऑफ एल्केन विथ हैलोजेंस। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि एल्केन्स आर नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, एल्केन्स आर नॉट फंक्शनल ग्रुप्स,
rather they are just the class of organic compound, very basic, very simple class of organic compounds. They are the hydrocarbons with all carbons having the four bonds, not any pi bond present. ठीक है, उसमें हैलोजिनेशन जो है, ठीक है, तो एल्केन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही नहीं होते तो इनके रिएक्शन भी बहुत ही लिमिटेड होते हैं, तो ना ये बेचारे कोई एडिशन रिएक्शन करते हैं, ना कोई एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि एक चंद रिएक्शन इसके नोन है तो उस पैराडाइम में हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। हैलोजिनेशन के साथ सबसे ज्यादा कॉमन है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, लेकिन ये भी कोई आम हैलोजिनेशन नहीं है, जैसे आप किसी एल्कीन की हैलोजिनेशन कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, मैं अजान का ब्रेक दे दूं पहले आपको। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, ये इंडक्टिव इफेक्ट आप लोग पूछ रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है, मैं बार बार आप लोगों को समझ पूछ रहे हैं। देखें, इंडक्टिव इफेक्ट जो है, पहले से बात याद रखें, दो एटम्स जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस होता है तो एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है दूसरे के मुकाबले में, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इस अन इक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उस पर्टिकुलर बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट हो जाती है जो लीनिंग टुवर्ड दैट पर्टिकुलर एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप होता है उस बॉन्ड के अंदर जिसके अंदर दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, वो तो आप सोच रहे हो सब में ही मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल, तकरीबन सब में ही होते हैं, जैसे CO बॉन्ड है, CN बॉन्ड है, HCl बॉन्ड है या व्हाटएवर। लेकिन अगर CC बॉन्ड है तो आप बज़ाहिर CC बॉन्ड में तो नहीं होनी चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन फिर अगर एक सी किसी ओ से करीब है दूसरे सी के मुकाबले में, तो उस CO बॉन्ड की वजह से उस दूसरे CC बॉन्ड के अंदर भी इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स आएंगे तो मैं आपको वहीं पर दिखा दूंगा मेरा इससे क्या मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ मेरे इस लेक्चर को। तो ये एल्केन जो है, ये इनमें हैलोजन आके सब्सटीट्यूट होते हैं इनके एच के बदले, जिसको हम हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स कहते हैं। ये बात मैं कई दफा कह चुका हूँ, एल्केन्स हैव नो फंक्शनल ग्रुप्स एंड दे आर इनर्ट टू मेनी रिएजेंट्स एंड डू नॉट अंडरगो मेनी रिएक्शंस। हाउएवर, हैलोजिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन रिएक्शन फॉर द एल्केन्स, इट इज द रेडिकल रिएक्शन। हाउ डज इट ऑपरेट, डायरेक्ट काम की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये RH है यानी एल्केन है, X2 कोई हेलोजिन है जैसे कि ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है, या क्लोरीन। अच्छा, हीट की मौजूदगी में या सनलाइट की मौजूदगी में RH जो है वो रिप्लेस हो जाता है RX से और HX बन जाता है, यानी H के बदले X आ गया, सब्स्टिट्यूशन जिसे कहेंगे। और चूंकि थ्रू रेडिकल मैकेनिज्म हुई है, इसको कहते हैं रेडिकल हेलोजिनेशन। अच्छा, नाउ कम टू द मल्टीपल हैलोजिनेशन, हैलोजिन सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे ये मीथेन है, इसका CH बॉन्ड ब्रेक होगा और CCl बॉन्ड आ जाएगा, ये आगे CCl बॉन्ड, लेकिन रिएक्शन यहां रुकेगा नहीं, दूसरा CH बॉन्ड ब्रेक होके दूसरा CCl बॉन्ड, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो हमारे पास देख रहे हैं कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, मुख्तलिफ मिक्सचर, मुख्तलिफ इंडिविजुअल हमारे पास वो आ रहे हैं। ठीक है, ये भोला रिकॉर्ड प्लीज Do not write anything on the screen. ठीक है, ओके, अच्छा, तो ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम ये होती है कि वो ना किसी एक जगह पर जाके रुकती नहीं है, और उसमें हमारे पॉली हैलोजिनेशन या पॉली सब्स्टिट्यूशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप मीथेन ले और आप बोले यार एक HCl बन CH बॉन्ड क्लीव हो और एक CCl बॉन्ड आ जाए और रिएक्शन रुक जाए, ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है, अच्छा, अब देखें, हमने ये बात तो कर ली है पहले कि जो क्लोरीन रेडिकल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है ब्रोमीन रेडिकल के मुकाबले में। ठीक है ना, ये पुरानी बात है। तो इसी वजह से क्लोरीन जो होता है ना वो अनसिलेक्टिव होता है, इतना सिलेक्टिव नहीं होता, ये देखें सामने लिखा हुआ इतना बड़ा बड़ा, क्योंकि वो रिएक्टिव ज्यादा होता है। तो जब अनसिलेक्टिव होता है तो इसका मतलब है क्लोरीन की जो सब्स्टिट्यूशन होती है किसी एल्केन पे वो फिर इतनी कंट्रोल नहीं होती है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे ये रिएक्शन मौजूद है, 2-methyl propane क्लोरीन लाइट। अब ये क्लोरीन, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये 3 मिथाइल है, 3 का मतलब है 9 CH बॉन्ड्स हैं,
सारे आइडेंटिकल हैं तो यहाँ दो किस्म के ही CCl बॉन्ड बन सकते हैं, या तो किसी भी एक मिथाइल वाली कार्बन से CCl बॉन्ड बनेगा या फिर सेंट्रल कार्बन से CCl बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये बहरहाल बन गया जैसे, तो खैर बनना ही था। और साथ में पॉली क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इसी कार्बन पे दोबारा एक क्लोरीन आ जाए, फिर एक और आ जाए, फिर या तो इस पे आ जाए साथ में इसके अलावा, यानी इस पे भी रहे और इस पे भी आ जाए। तो इस तरह के तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यानी 9 CH बॉन्ड है, अभी तो मैंने छांट कर 9 में से किसी एक पे CCl बॉन्ड बनाया, लेकिन 2 पे भी हो सकता है, वो 2 सेम कार्बन पे भी 2 CCl हो सकते हैं या दूसरे पे भी हो सकते हैं। तो ये आप अंदाजा लगा लें कितने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, साथ में भी बीच का जो CH है वो भी किसी एक कॉम्बिनेशन के साथ सेट हो सकता है। लेकिन मकसद कहने का क्या है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये परसेंटेज गौर से देखिएगा, 48 और 29% में देखिएगा। ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि चूंकि क्लोरीनेशन एल्केन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलती हैं, मिक्सचर मिलता है, तो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। लेकिन अगर एक ही जगह पर CH बॉन्ड हो, मतलब देखिए ये सेंट्रल में है ही नहीं, ये नियोपेंटेन है, तो आप 4 मिथाइल हो गए तो मिक्सचर नहीं मिल सकता। ठीक है, कौन सा मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जो एक सेंट्रल CH से मिल रहा था और टर्मिनल CH से मिल रहा था। ठीक है, अब ये ब्रोमीन की बात कर रहा है, असल में मैं ब्रोमीन पर आना चाह रहा था कि ब्रोमीन जो होता है, चूंकि रेडिकल ब्रोमीन रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है क्लोरीन रेडिकल से, तो इसलिए ब्रोमीन रेडिकल सिलेक्टिव ज्यादा होता है। अब देखें, हमने आज नई टर्म सीखी, सिलेक्टिव और अनसिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब होता है स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव, और अनसिलेक्टिव का मतलब होता है अनस्टेबल एंड मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो ब्रोमीन ज्यादा सिलेक्टिव होता है, तो इसकी वजह से जब आप ब्रोमीन के साथ रेडिकल रिएक्शन शो करेंगे ना, तो फिर आपके पास एक प्रिडिक्टेबल मैनर आएगा, यानी आपको पता होगा कि कौन सा CBr बॉन्ड ज्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा, और वो हम कल देखेंगे। और मुझे लगता है कि ये लेक्चर को मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक डिस्टर्बेंस हुई थी इसकी वजह से। दूसरा, ये जो नया ये मैं आपको बेसिकली मीथेन की जो क्लोरीनेशन है, ये जो 3 स्टेप्स है हमने बात की थी, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, ये हम कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ रुकूंगा, किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर से तो वो मुझसे पूछ ले, फिर बाद में मैं वीडियो ऑफ करके आपको कल के लेक्चर्स का भी आंसर सारे दे दूंगा। जी पूछिए। मैंने अभी जो बताया सिलेक्टिव अनसिलेक्टिव, ये मैं आपको कल जब ब्रोमीन के रिएक्शन दिखाऊंगा तो उस वक्त बता दूंगा कि ब्रोमीन जब किसी एल्केन के साथ रिएक्शन करता है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, तो वो सिलेक्टिवली करता है, यानी उधर हमें पता होता है कि इस रीजन पे ज्यादा यील्ड मिलेगी या ब्रोमीन प्रिफरेबली यहाँ जाएगा। ये मैं आपको कल कंटिन्यू करूंगा इस बात पर। और इसके अलावा क्वेश्चन पूछे, कॉन्जुगेशन का बता दे मुझे, कॉन्जुगेशन का नहीं। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज होना, और वो यकीनन कोई पाई बॉन्ड उसमें होंगे, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पी ऑर्बिटल्स में होते हैं ना, जिसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, या फिर आपके वैसी एनाइन कोई कार्बनाइन मौजूद हो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, जो स्प्रेड होता है, जे रिकार्डो नाम के स्टूडेंट है। ओके स्टूडेंट, सो वी एंड अवर लेक्चर, इंशाल्लाह टुमारो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द टॉपिक विच ही लेफ्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।